विश्व आर्थिक फोरम ने आगाह करते हुए बताया कि कुछ देशों में कुछ उद्योग और सेक्टर्स अगले 1.5 साल तक नहीं उभर पाएंगे और महामंदी का दौर और भी ज्यादा होगा और भारी बेरोजगारी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि महामारी के नतीजे बेहद ही चिंताजनक होने वाले हैं। अगले 18 महीने में कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह इससे प्रभावित होने वाली है। कोरोना महामारी से जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही चुका है, साथ ही लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था भी बेपटरी हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में महामंदी का दौर चल रहा है। उम्मीद तो यही थी कि कोरोना वायरस के लुप्त हो जाने के बाद इस मंदी के संकट से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे काम धंधे पटरी पर आएंगे अर्थव्यवस्था में सुधार होता चलेगा। लेकिन इसी बीच WEF यानी विश्व आर्थिक मंच ने आगाह करते हुए बताया है कि कुछ देशों में कुछ उद्योग और सेक्टर्स अगले 1.5 वर्ष तक नहीं उभर पाएंगे और महामंदी का दौर और भारी बेरोजगारी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी के नतीजे बेहद ही चिंताजनक होने वाले हैं। नतीजन बेरोजगारी का उच्च स्तर देखने को मिल सकता है, साथ ही अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। इससे पहले बीते दिनों IMF और संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दुनिया को आने वाले गंभीर संकट के लिए चेताया था। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना था कि दुनिया के गरीब देश भुखमरी नहीं बल्कि महाभुखमरी की कगार पर हैं। भुखमरी की समस्या के साथ बेरोजगारी की समस्या भी तेजी से पनप रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेताते हुए कहा था कि भुखमरी का जबरदस्त प्रकोप होने जा रहा है और हम महाभुखमरी की कगार पर हैं और दुनिया में 37 देश भुखमरी की कगार पर हैं। वहीं IMF ने कहा था कि ये 1930 में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से भी बड़ा खतरा है। दरअसल विश्व आर्थिक मंच ने 300 से ज्यादा इंटरनेशनल जोखिम प्रोफेशनल्स को अगले 18 महीने में इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। तो इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक मंदी और भारी बेरोजगारी देखने को मिल सकती है, छोटे और मध्यम व्यापार खत्म हो सकते हैं और विश्व को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट COVID-19 जोखिम नजरिया इसके प्रभावों का शुरुआती आंकलन नाम से जारी की गई है। रिपोर्ट में टॉप प्रोफेशनल्स ने COVID-19 के सबसे बड़े नतीजों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में लंबी मंदी और भारी बेरोजगारी का अनुमान लगाया है। जारी की गई कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रोलोंग्ड रिसेशन 68.6% बड़ी फार्मों और व्यवसाय की दिवालिया होने में वृद्धि हो सकती है। फेलियर इन इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स 55.9% उच्च स्तरीय बेरोजगारी खासकर युवाओं में 49.3% बढ़ सकती है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय स्थिति 45.8% तक कमजोर हो सकती है। काम करने के तरीकों में लगातार आ रहे बदलाव की वजह से साइबर अटैक्स एंड डाटा फ्रॉड 37.8% तक बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्तियों के साथ ही सामान के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर कड़े प्रतिबंध भी महामारी के तौर पर सामने आ सकते हैं। निकट भविष्य में कोविड के फिर से सिर उठाने या ऐसी ही किसी और महामारी का आना भी 10 संभावित नतीजों की सूची में शामिल है। हालांकि कुछ का मानना है कि ये गंभीर संकट के बीच अवसरों को देखने का अच्छा अवसर हो सकता है। WEF प्रबंध निदेशक सादिया जाहिरी का कहना है कि कोरोना संकट ने जीवन को अस्त व्यस्त कर नौकरियों को खतरे में जरूर डाल दिया हो। आजीविका भले ही तबाह हो गई हो, लेकिन अब हमारे पास इस संकट का इस्तेमाल करने का एक अलग अवसर है। चीजों को अलग तरह से करते हुए एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर हमें मिल रहा है। तो कोरोना वायरस से तो दुनिया ही जूझ रही है, लेकिन अब दुनिया पर आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है। बेरोजगारी, मंदी, भुखमरी जैसी वैश्विक समस्याओं से जूझने की नौबत भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।